कलसन है वकील, गांव का दिनेश है इसके। देखो बाहर से कोई ऐसा कोई फंडिंग कर रहा है, सुनने में अकाउंट की जांच की जाए तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कि एक स्टूडेंट है, बिना किसी अज्ञानता के बाहर खड़े मोटरसाइकिलों में से तेल चोरी किया करता, और गांव वालों ने एकदम उसको देख लिया। देख कर उसको केवल मामूली सी एक चप्पल के साथ थोड़ा ड्रबैक दिखा था कि भाई आगे से चोरी ना करे और ठीक अपनी शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन इन लोगों ने उसका इश्यू बना दिया जाति पाति का, जो कि गलत है। और जो अंदर गए हैं जेल में वो इतने बड़े कुख्यात अपराधी तो थे कौन के, वो हर बार जाति पाति का रौला करते हैं, मारते पीटते हैं। उन्होंने केवल उसको शिक्षा देने के लिए ही ये मामूली सज़ा दी थी, लेकिन सज़ा देने वालों को भी कानून का ज्ञान नहीं था, और बच्चे को भी चोरी करने पर क्या सज़ा होती उसका ज्ञान नहीं था। और ये जो बना रहे हैं इश्यू, ये गलत है। इसलिए प्रशासन से हमारी यही मांग है भाई, इसकी पूरी बढ़िया जाँच करके ना, जो वो भी निर्दोष हैं, सज़ा मामूली है, किसी सख्त चीज़ से सज़ा नहीं दी है भाई, किसी ईंट से, लकड़ी से, लोहे से किसी से सज़ा दी हो, एक मामूली चप्पल होती है, चप्पल से क्या लगे, एक बै होता है, जैसे बच्चा स्कूल में चोरी करता है उसी तरह से मास्टर उसको एक। प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से हमारी यही मांग है भाई, जो ये अब बार बार बचे हुए व्यक्तियों की, जो पंचायती व्यक्तियों की गिरफ्तारी करना चाहते हैं, ये गैरकानूनी है, प्रशासन इनको गिरफ्तार ना करे, और जो वो निर्दोष जहरे हैं उनकी पूरी तसल्ली जांच करके ना, उनकी जांच होनी चाहिए। जो एक बार धरने पे बैठे हैं इनका, हाँ ये जो बार धरने पे बैठे हैं, इन्हें कोई खतरा नहीं है गांव में। अगर ये गांव में आना चाहते हैं तो भाईचारे में रहना चाहते हैं तो इनको गांव वालों से किसी कोई खतरा नहीं। तो कौन लोग है इस तरह का जो जहर बोल रहे हैं? इस तरह का तो एक रजत कलसन है वकील, गाँव का दिनेश है इसके साथ बैठे हैं दो तीन, अनिल, नरेश और विक्रम, मतलब ये जो इसके साथ बैठे हुए हैं, ये इसका गलत साथ दे रहे हैं, इनको ये नहीं पता बे आप मतलब जिस सिस्टम को लेकर बैठे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है ना, नाम क्या है? मेरा नाम सेवास। सर उनका कहना है भाई, पत्रकार साथी और महिलाओं का भी बात कर लो। सुनियो जी एक मिनट, मैं वाल्मीकि हूँ। जो अभी आपने नाम लिया दिनेश खापड़ का, उनका कहना हमें गांव में खतरा है। नहीं, कोई खतरा नहीं है। जब उसकी माँ उसकी दादी गांव में रह रहे हैं अब भी, उनको खतरा नहीं तो इसको क्या खतरा है? सर एक और कहा आपने, इसके पास कई बार से पैसे आते हैं, इसको पैसे कौन देता है? देखो बाहर से कोई ऐसा कोई फंडिंग कर रहा है, सुनने में आया है, लेकिन क्लियर तो नहीं है, सुनने में आया है भाई, इनके अकाउंट की जाँच की जाए तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाए क्लियर। ये सुनने में आया है कि बाहर से कुछ लोग इनको पैसे की फंडिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं भाई, इनका कोई साथ दो, इनके अकाउंट में जो पैसा डल रहा है इनके अकाउंट की जांच हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच क्या है झूठ क्या है? सेवा सिंह मामला था, गाँव खापड़।